अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे बेस्ट फेस पैक फॉर ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन के लिए हम आपको फेस पैक का बताएंगे। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे, इसमें हमें चार इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जिसमें कोकोनट ऑयल, फ्रेश मिल्क, हनी, चाहे फ्रेश हो चाहे आप किसी कंपनी का यूज़ कर लें, और मुल्तानी मिट्टी। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी जहाँ आ जाए उसमें सोचा जाता है कि ये सिर्फ ऑयली स्किन पे यूज़ होती है, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको सही से बनाएं, मतलब ड्राई स्किन के लिए अगर फेस पैक बनाएं, तो उसमें भी मुल्तानी मिट्टी यूज़ हो सकती है। बस कुछ इंग्रेडिएंट्स चेंज होते हैं, जैसे लेमन ड्राई स्किन को नहीं सूट करता, तो आप शहद यूज़ करें उसमें। तो आज मैं आपको बताती हूँ ये बेस्ट फेस पैक है ड्राई स्किन के लिए। इसमें हम सबसे पहले जाएंगे मुल्तानी मिट्टी की तरफ। मुल्तानी मिट्टी डालेंगे, इसमें हम एक चम्मच 1 टीस्पून भर के डाल लें, मतलब जिसको कहते हैं ना वड्डा सारा चम्मच, वो डालना है आपने, ठीक है। इसमें अब आप ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल, ये कम है, 1 टीस्पून आप इसमें डालें कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है, आपकी स्किन को फ्रेश रखता है कोकोनट ऑयल। जिनकी ड्राई स्किन है, अक्सर लोग कोकोनट ऑयल वैसे भी यूज़ कर लेते हैं, लाइक विटामिन ई का कैप्सूल डाल के और उसमें रात को लगा के सो जाएं। तो ड्राई स्किन वालों के लिए बता रही हूँ, ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं। विंटर में अक्सर लोग कोकोनट ऑयल वैसे भी यूज़ करते हैं स्किन पे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हनी, ठीक है। हनी ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करता है, आपकी स्किन को नीट भी करता है, ठीक है। अब आपने दूध पास रखना है, हनी से आपकी स्किन, रेगुलर हनी अगर आप किसी फेस पैक में यूज़ करते हैं, समटाइम डायरेक्ट हनी यूज़ करने से भी आपकी स्किन मतलब नहीं सूट करता कुछ लोगों को, तो वो ना करें, आप किसी फेस पैक में ही यूज़ करें। आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स, आपके डार्क सर्कल्स भी इससे हनी से ख़त्म होंगे। और अब हम इसमें डालें दूध, दूध आपने पास रखना है जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं होता, एक क्रीमी फॉर्म में नहीं आता, आपने इसमें डालते रहना। मैं इसमें डालती रही थी दूध, मतलब जैसे ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए, तो इस तरह से जब हो जाए, पेस्ट बन जाए, तो आप इसको फेस पे अप्लाई करें। मैं आपको इसको हैंड पे अप्लाई करके दिखाऊंगी, ठीक है। इसके रिजल्ट्स यूज़ करने के बाद आपने मुझे ज़रूर बताने हैं। जैसे आगे विंटर है, तो ड्राई स्किन जिनकी ऑयली स्किन है उनकी भी बहुत ऑयली नहीं रहेगी, तो वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसका लेप करना है अपने फेस पे, उसके बाद इसको ड्राई होने देना है। ड्राई जाहिर है ये मुल्तानी मिट्टी, और थोड़े मतलब इसके फॉर्म ऐसे है कि इसको ड्राई होने में भी ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। तो ड्राई होने के बाद मैं इसको वॉश करने के बाद आपको दिखाऊंगी। वैसे भी आपको अपने हाथ इतने सॉफ्ट लगेंगे, आप इसको हैंड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हैंड्स और फीट की थोड़ी स्किन हार्ड होती है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो फेस पे आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, फेस पे आपको इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपको अपनी स्किन फ्रेश लगेगी, सॉफ्ट लगेगी, ठीक है। अब इसको ड्राई होने के बाद मैं आती हूँ, फिर मैं आपको इसको वॉश करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमने इसको ड्राई होने के बाद वॉश किया है, मतलब मैंने वीडियो बंद कर दी थी, क्योंकि इस तरह तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो अब आप देखें कि वैसे भी हाथ इतने ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं और मज़ा आ गया। तो आप इसको फेस पे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, यूज़ करने के बाद आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।